आते ना बड़ी जाए हमेशा बच्चन पा कहां है 25 रुपए ये उठावा का तो दर्जन लगियां का 25 रुपए और 300 बता दें दादी बात या लो 260 ना तो गुस्सात यहां गुस्सावा नहीं जाता हम कभी जिंदगी में हां पहले कपड़ा छुआ अरे आए कहां मस्त तो है इतना महंगा तो है दी अब हम बहुत लेके आए थे तोरण खातिर हमारे भटुआ लाए 100 रुपए वाला लेबू और आज हमारा 4500 का सेल हुआ है दोस्तों और हमें खुशी हो रहा है कि भाई अगर कल का पैसा नहीं गुम होता तो मेरा कम से कम 2 दिन में 8000 का इकट्ठा हो जाता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज है वायर सेंट बाजार और आज मौसम देख सकते हो थोड़ा बादल छाया हुआ है। तो अभी चलता हूँ सामान वाला लोड करता हूँ, देखता हूँ प्रिंस कभी से लोड कर रहा है। आधा घंटा पहले गया है, पर नहीं लोड कर पाया कि नहीं लोड कर पाया, क्योंकि अभी हम नहाया वहाया नहा वहा के रेडी हो गए और सारी बकरियों को दाना वाना खिला दिया हूँ, सबको बाहर बांध दिया हूँ। और भाई हमारे घर के पास देख तो कैसा हालत है, पूरा नल का पानी बरसात का पानी इधर ही मतलब रुकता है पूरा गेट पर ही। अभी देख सकते हो किस तरह संघर्ष कर रहे आदमी। अरे आज तो अजब कहानी हो गया, आज तो प्रिंस लोड करके रखा है, प्रिंस लोड कर दिए। तो भाई अभी एक बैग इधर लोड किया हूँ और इधर एक बैग है और ये सरिया है जो हम गाड़ कर खड़ा करते हैं तंबू। और अभी देख सकते हो इसमें भी सारा कपड़ा है और इसमें टोटल जींस और थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा होगा। पीछे एक पल्ली है तो अच्छे से बांध बांध दे रहा है प्रिंस, अभी देख सकते हो। और आज क्या क्या लाना पड़ेगा? आलू है और धनिया, हरी सब्जी में हरिया सब्जी कुछ ले लेंगे, बंद गोभी ले लेंगे तो भाई। हाँ प्रिंस चाबी लेके आओ गाड़ी के बेटा। तो भाई अभी प्रिंस अकेले लोड कर दिया सारा सामान एक एक करके और आज थोड़ा तबीयत डाउन है क्योंकि पीछे बैग में बहुत ज़्यादा पेन है। तो अभी दवा वा खा लिया हूँ, दवा खा के भी फिलहाल चलते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और बादल की वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है कि बारिश ना होने लगे, लेकिन नेट पर दिखा रहा तो बारिश नहीं है, लेकिन चलो देखा जाएगा जो होगा। एक ही पल्ली रखा है प्रिंस, एक ही पल्ली रखा है प्रिंस, तो एक पल्ली और रख लेता हूँ, नहीं कोई पता नहीं कब बारिश होने लगे। प्रिंस और पल्ली कहाँ है? तो पल्ली निकाल लेता हूँ, यहाँ पल्ली नहीं है। ये किताब अभी तो हम बार बार पूछे तो नहीं बताते, जब भैया मिला ले आ गुस्सा है बाबू। देखो भाई खड़े हो ले मार जुटा खान दोनों जीते में भरे हैं भाई, जल्दी लेके आओ। दिया होती है देखा, ढूंढा ढूंढा जल्दी। तू कहाँ नहीं कहाँ नहीं देते हर बार, अबे ऐसे काट लिया तू। आ चलो भैया, अरे यार नहीं चलो तुम्हें ना वो तेल नहीं ना यार, डाल दे भाई एक लीटर मालिक जल्दी लाओ भाई, तेल भी ख़त्म है अभी, तेल भी नहीं डाला क्या यार, बिल्कुल तेल दिख नहीं रहा है। ध्यान से भाई ध्यान से, एक लीटर डलवा डाला क्या तो कह रहा हूँ पैसा दिया भैया भैया, दो लीटर डाले, दो लीटर का 200 कितना भैया, 220 तीन सौ 230 सही है। बस बस करा भाई, सब हमारे डाल दे तो कहा भी थबा यार, मन कुछ पड़ा रहा नहीं आज, पैसों तो लेते कुछ पड़ा रहा नहीं मन कहाँ, ये चलो जब हमारी गाड़ी को ना डाल दे, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, दिया। अरे हटाओ भाई देर बच गया हमें तो। भाई कुछ यार चलते हैं, चलते हैं यहाँ से फटाफट। तो दोस्तों फाइनली अभी वायर सेंट बाज़ार पहुंच गया और इसी तरह बाज़ार लगता है यहाँ पर भाई। अभी दुकान बहुत कम आई है मार्केट में क्योंकि अभी धीरे धीरे आदमी आ जा रहे हैं, क्योंकि हम टाइम से पहुंच गए हैं, 12:30 बज गया है आते आते, और रास्ते में देख सकते हो कितना कचरा पानी भरा हुआ था, अभी निकलना मुश्किल है। तो भाई ये मेरे दोस्त हैं कपड़ा बेचने वाले, तो फाइनली अपनी जगह पहुँच गया जहाँ पर मैं दुकान लगाता हूँ। तो चलता हूँ फटाफट उतार लेता हूँ क्योंकि सारा सड़िया वड़िया गाड़ लिया हूँ अच्छे से और नीचे तिरपाल बिछा दिया हूँ, बस उतार कर इसको सजाने हैं। तो फटाफट सजा कर भाई अभी इसको रेडी कर देते हैं 10 मिनट में,
क्योंकि भाई अभी कस्टमर आ गए हैं, तो कस्टमर भाई पहले ही 10 मिनट जैसे लगाए नहीं हुआ वैसे आ गए हैं, तो 1200 का अभी सेल हो गया मात्र 2 मिनट के अंदर में। अभी तो पूरा दिन बाकी है और आप लोगों के द्वारा रहा तो पूरा दिन में अच्छा सेल होगा, क्योंकि बोहनी अच्छा हुआ है तो लास्ट तक भी अच्छा सेल होगा। तो इस तरह दुकान सजाने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड दुकान लगता है दूर से देखने में, ताकि कस्टमर हमारी तरफ आकर्षित हो और आकर देखें और यहाँ पर कपड़ा लें। तो इसी तरह मार्केट में हम दुकान सजाते हैं ताकि हमारे बिजनेस। तो दोस्तों फाइनली भाई दुकान अच्छे से लगा दिया हूँ, और अभी भाई खोलते ही समय मेरा मतलब 3-5 सूट बिके हैं, और वो कपड़े थे रखा था तो अभी इस साइड में रखा हूँ, साइड का 5 सूट बिक गया है अभी। और ये भाई लगभग 1 साल से माल, 1.5 साल पहले लाया था माल, तो इसमें का माल थोड़ा बहुत निकाल पाया था, बाकी नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन अभी आज 5 बिके हैं, तो ऐसे होते करते बिक जाएंगे सारा, क्योंकि सीजन में हर माल बिक जाता है, जो जिसका आशा ना करो वो जल्दी बिक जाता है, जिसका आशा करो तो ये भाई जल्दी बिकेगा वो थोड़ा लेट बिकता है, लेकिन भाई बिजनेस है तो क्या कस्टमर किस तरह आ जाए कोई पता नहीं होता। तो चलो अभी फिलहाल इंतजार करते हैं कस्टमर का, क्योंकि अभी 1000 रुपये के 10 मिनट में बिक गया है, तो शाम तक अभी पूरा दिन बाकी है मार्केट का। और भाई जिसको भी कपड़े की दुकान करना है, जिसको भी कपड़ा का व्यापार फेरी में या फिर बाजार में लेके बैठना है, तो इसी तरह सजाना पड़ता है दुकान जिस तरह मैं सजाया हूँ। और इसमें सजाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 6 सरिया होना चाहिए, रस्सी होना चाहिए और 2 तिरपाल होना चाहिए, तो काम बन जाता है। तो फिलहाल अभी आपको थोड़ा थोड़ा और दिखा देता हूँ कि भाई मेन चीज़ क्या क्या होता है मार्केट में बैठने के लिए। तो अभी इधर से अंडरवियर है आदमियों का, उसके बाद लेडीज़ का है, और फिर बच्चों का है दोस्तों, इधर देख सकते हो, और ये भी बच्चों का है, ये आदमी का है, ये बूढ़े आदमियों का है, लगा के रखा हूँ सारा सामान। इसमें से 2-2, 4-4 पीस हर डिज़ाइन का है, प्लाजो से लेके सूट से लेके टी शर्ट तक बहुत सारा आइटम इसमें रखा हूँ। और साइड में दोस्तों ये जीन्स लगाया हूँ, तो ऐसे सारा मतलब 6-6 पीस, 7-7 पीस, 2-2 पीस हर मतलब कलर का और हर डिज़ाइन का जो मार्केट में बिकता है, जो बाज़ारों में सबसे ज़्यादा चलता है, तो ऐसे छांट-छांट कर लाना पड़ता है। तो इसी में से जैसे जैसे हम कस्टमर मांगते हैं वैसे वैसे हम दिखाते हैं, क्योंकि सामने भी टांग के रखा हूँ, अगर कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहा है कि इसमें का दिखा दो, तो उसमें का माल रखा तो वो दिखा दो, तो ऐसे मार्केट में कपड़ा बेचा जाता है। तो फिलहाल अभी चलो इंतजार करते हैं, देखता हूँ आज कितने सेल होता है मार्केट में, कस्टमर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि भाई आज बहुत अच्छा मौसम है। और पूरी बाहर खड़ी करा
बहुत सही इनके होइ जे बहुत मस्त था अच्छा लगा था बहुत मस्त सूती कपड़ा है दादी साढ़े 300 दाम है अपने बता दिया अरे माँ दादी मोह घर नहीं बनाई बहन मोलाई तो हम कहाँ से लेते थे नलिया या मैंने पैसों को माफ तो अरे कहाँ मिले वहाँ तमाम पैसा नहीं मैं कुर्ती ला लिया थी फिरा के लिया थी अच्छा फिरा सब दिन चले ले जो है कुर्ती बताओ कच्ची ना कहाँ मिला लिया रात भैया ना लिया ठीक आते ना बड़ी दे हमेशा कचल पा का है 25 रुपये एक ठवा का तो अब दर्जन लो यहां का 25 रुपये एक ठवा कैसे लेबो कैसे लेबो चला 20 लाग दिए 20 लाग दिए नहीं 20 आप देखा आप देखा नहीं जैसे हम हुआ लूट के लेके आवा ही दई गरम क्या तो ले तो हम हो तो सही दाम लगा दी ना 25 के जगह 20 भी लगा दी ना कपड़ा के दुकान पे नहीं समझ में होता है चला बड़े फिराक पौ ना जान लिया 300 बता रहे दादी की बात यार लो 260 तू गुस्सा यहाँ गुस्सावा नहीं जाता है हम कहते जिंदगी हाँ पहले कपड़ा छुआ अरे आए तो हम धर्म मस्त तो है इतना महंग बताए के ले बताओ का कर जी का कर जो ले जी अब हम बहुत लेके आए थे तोरन खातिर अब आए भटुआ ले 100 रुपया वाला तो लेबू जहाँ पहन जाबू कहे हाँ दोनों बढ़िया घर के ही पहन लेनी चाहिए फिर अभी भाई क्या पूरी फुल वालिया दीदी अरे ठीक है यही तक रहे बढ़िया लगी लगी अभी बस लगी लगी है बस लगी है तो फिर बढ़िया कुर्ती ये रख रही कुर्ती देखा है हमें लगे यहाँ नहीं है देखिए आपके सामने ही सब यहाँ घर फायदा नहीं जगह पकड़ा जगह पकड़ बस नहीं गलत नहीं कहा अगर पैसा कम करे तो तू हमसे मुहारे पे आएगा फिर ले जा अभी हमारे बताए कहाँ मुझे 10 रुपया देख लिया आप चाहे जान लिया कि नहीं दे हैं यहाँ का आप तू का बता दी साहब अच्छा वाला तो ना इसमें हम कुछ कहा नहीं बस ही यार हम आपसे कुछ कहा नहीं ये 10 रुपया हमें जी महाराज क्यों दगल फसल वाला काम हमें कर पाए भैया क्योंकि दुकानदार का ज़्यादा बेहतर नहीं करनी चाहिए सिर्फ 10 रुपये यही में रहे और कुछ आए नहीं चल ले जा देखा जी आगे पीछे वही सके हमारे साथ संपर्क बना है आधार कार्ड जब गया है नहीं नहीं लड़का तो जाना था हम तो नहीं जाना नहीं मुनि हम पूछ नहीं अब हम बहुत दूर जान जावा गए हम पहले पूछ लिए
तो भाई फाइनली अभी शाम हो गया, तो चलते भाई सामान वामान बटोरते हैं, क्योंकि भाई मौसम देख सकते हो किस तरह अभी बदले बादल छाया हुआ है, जैसे रेगिस्तान का बादल दिख रहा है। तो चलो फटाफट पैक करते हैं सामान, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम कितना हो गया चाचा, 5 तो बज गया होगा, 5 बज गया, 5:30 भाई, 5:30 बज गया है। तो चलो फटाफट इकट्ठा करते हैं सामान भाई। दोस्तों फाइनली अभी घर पे आ गया और सारा सामान भाई उतार के रख दिया हूँ, और आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भाई घर का खर्चा भी जो भी साग सब्जी होता है उसको लेना पड़ता है, तो काफी टाइम हो जाता है, क्योंकि 5:30 बजे हम दुकान बढ़ा देते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ, मार्केट करना है या बाजार करना है तो ये टाइम बाई टाइम आपका होता रहेगा, लेकिन भाई मार्केट में ज्यादा देर का सेल नहीं होता, 1 से 2 घंटा 2.5 घंटा सेल होता है, लेकिन सही बाजार 1 घंटे की होती है, बाकी तो आप लगाओ उसी मस्ती करो, घूमो टहलो, कहीं भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन दोस्तों काफी लोग कमेंट करते हैं भाई हम फेरी काम करें या मार्केट में मतलब जाएं, तो हम आपको इतना अगर सलाह देना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे का बैलेंस जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट ज्यादा 50 से 60 हजार 70 हजार रुपया है, तो आप मार्केट में बहुत ईजी अपनी दुकान लगा सकते हो, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं है तो 20 से 25 हजार लगा के आप स्टार्ट करिए। आपको अगर नए हो बिल्कुल तो बिजनेस करने के लिए सोचिए, तो भाई आपको शुरुआत में माल ज्यादा नहीं भराना है, थोड़ा थोड़ा करके भराना है ताकि आपका नुकसान ना हो, और जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं वो रास्ते से आप ना गुजरना, नहीं तो आपको काफी परेशानी होने वाली है, क्योंकि आप बंद कर दोगे, ज्यादा दिन नहीं चला पाओगे दुकान। तो जब भी स्टार्ट करना दोस्तों थोड़े का अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो आपको एक एक बात और एक एक कपड़ा बेचना आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ना क्योंकि जो भी शुरुआत करना जीरो से स्टार्ट करना तब आप आसमान तक जा सकते हो, और इसी के जरिए से हमारा घर का पूरा खर्चा चलता है, जो भी हमारा दवाई दरमत घर का जो भी खर्चा जरूरत होता है वो सारा कुछ हमारा इसी कपड़े से होता है। अगर हमें इसमें प्रॉफिट नहीं होता तो हम किस तरह हम अपना ये दुकान चलाते। और दोस्तों अभी तो हम हफ्ते में 3 या 4 बाजार सही से करता हूँ, बाकी फेरी करता हूँ, और अगर हम हफ्ते में अगर 7 बाजार कर लेंगे तो हमारा महीने का नहीं तो अगर हफ्ते का मान लो तो कम से कम 14-15 हजार रुपए इकट्ठा हो जाएगा। मात्र सब मतलब अगर 1 हजार मान लो, अगर 2 हजार कर लो तब भी हर दिन का सेल 2 हजार कम से कम रखेंगे मार्केट का, तब भी 15 हजार हफ्ते में इकट्ठा कर लेंगे। अगर हम ऐसे 300 दिन स्टार्ट करेंगे तो हम 40-50 हजार अपना आराम से इकट्ठा करके और रोज के रोज हम कपड़ा ला सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तसल्ली करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे और ना इतना सेल कर पाओगे। जब 2-4-6 महीने आप काम करोगे तब कहीं आपका कहीं मनोबल बनेगा और अच्छा आप बिजनेस कर सकते हो। तो अभी दोस्तों मैं आज मार्केट में अच्छा सेल किया था कपड़ा, क्योंकि मेरा कल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था दोस्तों, हमारा पैसा गिर गया था तो काफी नुकसान हो गया था, 45-47 रुपया मेरा गिरा था, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से 2 घंटा 1.5 लगाता हूँ मार्केट में और इतना पैसा आ जाता है कि हमारा जो भी मतलब अगर चाहूँ तो 1 दिन में या 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार बाजार जाके हम 10-15-20 हजार का सामान लाके भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी दुकान से एक्स्ट्रा ज्यादा खर्चा करेंगे तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम उतना ही खर्चा करेंगे जितना हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई इसी से हमारा सारा खर्चा जो भी मेंटेनेंस होता है सब कुछ चलाता हूँ। और हाँ, आप लोग कभी कमेंट करते हो भाई कि हम स्टार्ट कहाँ से और कहां से कपड़ा ले, तो इसके लिए हम आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा बताते हैं कि भाई अपने नजदीकी या फिर कहीं आज के पास आप सिटी के हो तो वहां से कपड़ा ले सकते हो शुरुआत में। जब आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा तो वैसे आप आगे बढ़ते जाना, ताकि आपको नुकसान और फायदा दोनों मालूम चले भाई किसमें कितना फायदा किसमें कितना प्रॉफिट है। तो आने वाली वीडियो में आपको हम बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपको बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा आपको लाइन मिले और अच्छे से आप कपड़ा मेंटेनेंस कर पाओ और खरीद सको। तो आने वाला वीडियो में आप जरूर इंतजार करना दोस्तों। और आज हमारा 4500 का सेल हुआ है दोस्तों, और हमें खुशी हो रहा है कि भाई अगर कल का पैसा नहीं गुम होता तो मेरा कम से कम 2 दिन में 8 हजार का इकट्ठा हो जाता। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद दुआ रहेगा, तो कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि इस दुकान को एक मॉल बना देना है एक दिन आप लोगों की दुआ से। तो चलो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।